मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं और बन जाए तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पांव की आवाज नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा और इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सज्जाद बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने हौले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हूँ।